बताओ क्या बना रही हो आज? आज हम बना रहे हैं बीच क्लब सैंडविच। क्या बना रही हो? बीच क्लब सैंडविच। अच्छा सर, तो देखो दोस्तों ये अच्छे से मिल जाएगा। मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा है यार। मिल चुका है अब। हेलो दोस्तों, क्या क्या मिला है इसमें? मैंने शिमला मिर्च में मिलाया, उसके बाद पत्ता गोभी, अभी मैं मिला रही हूँ खीरा। ठीक है हाँ। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो आप लोग का स्वागत है विनय कोमल चैनल के ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और काफ़ी देर हो गया, मैडम जी हमारे दिख नहीं रही हैं, हमको लगता है नीचे गई हैं सामान लेने। और क्या क्या सामान लेने गई हैं पता नहीं, मुझे बता के भी नहीं जाती, पता नहीं क्यों फटाक से चली जाती हैं। तो दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है विनय कोमल जायसवाल एंड कोमल जायसवाल आ गए क्या आप लोग? उसे भी फॉलो करिए। ठीक है, मैडम जी हमारी आ गई हैं, कब से गई थी सामान लेने, शायद नीचे ही बिना बताए चली जाती हैं। कोई बात नहीं, नीचे ही हमारा दुकान है, मतलब हमारे बिल्डिंग की नीचे ही दुकान है। कहाँ हो? कहाँ? देखिए डॉगी के साथ खेल रही हैं, इनको जानवर बहुत पसंद है। देखिए डॉगी सोए हुए हैं, चलो आ जाओ। क्या 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 लेने गई थी देखो, आज दिखाते हैं तुम्हारे लिए। सबसे पहले हम क्या लेके आए? हार्पिक। ये क्या करेंगे? मुंह साफ करेंगे? उसके बाद ये सब लेके आए, फ्रूट्स, लस्सी। अरे वाह, जूस, लस्सी, चॉकलेट। चॉकलेट दिख गया क्या? अरे हमारी नज़र बहुत तेज थी, हम बहुत बहुत दूर तक देखते हैं हम। इतना सारा कौन खाएगा जी? हम लोग खाएंगे एक ही दिन में। अरे नहीं, आराम से खाएंगे। अच्छा जी, रख दो फ्रिज में सर, अभी तो गर्म होगा ना, फ्रिज में रख दो। पैसे देखने ज्यादा तो नहीं लेंगे। कितना पैसा लिया? मतलब हम अपने आपसे कोई ज्यादा ले सकता है? आपका खुद ही इतना धारदार दिमाग है। हाँ तो कौन सा जल्दीबाजी में गई थी, कब से तो गई थी मार्केट। अरे नीचे इतना इनका दोस्तों दिमाग धारदार है, शार्पनेस है ना, कि कोई इनको नहीं बना सकता। तभी 4 रुपए ज्यादा दे के आए थे कल। अरे बाप रे। चलो फिर हम जा रहे हैं टॉयलेट साफ करने। हाँ जाओ, इसको पहले फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखो हम जाए टॉयलेट साफ रख दो यार, समझा करो। इसको अगर मुंह में लगा देंगे तो हाँ लगा लो, तुमको गोरे में जाए जो इधर ना, मेकअप का सारा पैसा बचेगा फिर। तो देखो ये फ्रिज में ऑरेंज है, बनारस है, और बटर भी रखा हुआ है, टमाटर भी है, सब मैडम जी देखो रख रही हैं फ्रिज में। फ्रिज में रख देंगे फिर अपना बाद में धीरे धीरे पियेंगे। टी शर्ट हमारा पहनी हो तुम यार। चॉकलेट भी है, चॉकलेट उसके नीचे रख दो ना, डेयरी डेयरी वाले में। हाँ पानी नहीं हो, सही है। ठीक है तो मैडम जी जा रही हैं अपना साफ सफाई करने, बाथरूम होने जा रही हैं। चलोगे क्या? नहीं, खुद भी खुद के ऊपर भी मार लेना और पिक। म्यूजिक चला देता। क्यों? पता है म्यूजिक चला के काम करते हैं। अरे बाप रे, बहुत इनका म्यूजिक लवर है भैया, क्या बताएं। म्यूजिक लगा देते हैं, उसके बाद काम करते रहते हैं, काम भी जल्दी से हो जाता है और मन भी लगता है। जल्दी से आओ काम करके, आज अपनी फैमिली के साथ कुछ नया रेसिपी बताना, कुछ खाने का ना। आज कुछ बना देना यार, मेरा भी मन कर रहा है कि आज कुछ बना दो आप। आज क्या बनाएं? कुछ भी बना दो, बहुत दिन हो गया कुछ खाने खाए। पीने में? खाने में यार, पीने में तो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज पी लेंगे ना। देखिए फोन इनका खुल गया है, गाना बजा रही है, फटाफट जाओ। ठीक है ठीक है दोस्तों, जा रही हैं अपना ये साफ सफाई करके आती हैं, फिर देखते हैं हमारी आज नाश्ते में क्या बनाती हैं। तो दोस्तों मैंने भी देखो नहा लिया है, मुझे लग रही है भूख, और हमारे मैडम ने भी नहा लिया है। कुछ बढ़िया सा बना दो आज, यार बहुत दिन हो गए कुछ आपके हाथों के कुछ टेस्टी खाने वाला यार। ठीक है, बढ़िया से कुछ बना दो। ठीक है यार, क्या खाओगे? अरे कुछ भी अपने हाथ से, कुछ नया चीज़ खिलाओ यार। नया चीज़ क्या? नया चीज़ का नाम होता है ना, अपने तरीके से बना दो कुछ, नाम हम बता देंगे क्या है, कुछ भी खिला दो प्यार से। आज बहुत दिन बाद
कुछ खाने का मन कर रहा है कि कुछ नया चीज़ यार। चलो तो देखते हैं किचन में क्या है बनाते हैं। ठीक है जो है वही बना दो आज। मेकअप कर ली नहा के? बाप रे ठीक है तो रील्स बना के तब खिलाओगे? पहले रील्स फिर खाना। ठीक है इतना तो मैनेज करेंगे हम। चलो कहाँ चलें? मोबाइल हमको। ठीक है दोस्तों जाए रील्स बनाने फिर देखते हैं क्या बनाती हैं। मैडम जी आपका फाइनल हुआ, आप क्या बना रही हो? हाँ देखो तैयारी भी कर रहे हैं। क्या बना रही हो आज? आज बना रहे हैं, बता दे कि दिखा दे। पहले देखो ये शिमला मिर्च है तो आज लग रहा है कुछ मस्त बना रही है। बताओ क्या बना रही हो आज? आज हम बना रहे हैं बीच क्लब सैंडविच। क्या बना रही हो? बीच क्लब सैंडविच। अच्छा सैंडविच बना रही हो तो सैंडविच अलग है। सैंडविच का आप लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन इनका आज नाम डिफरेंस है, वेज क्लब सैंडविच। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है तो बड़ी खाने अच्छी में भी बहुत टेस्टी है। मुझे खुशी हो रही है इतना सारा काम करने के बाद आप बना रही हैं और मेरी इच्छा है जो पूरा कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इधर शिमला मिर्च, आपकी इच्छा पूरा करते हैं आप नहीं करते हो बस। हम क्या करें जी, बस नहीं करते हो, क्या बताएं क्या करें। अरे क्या बताएं, ये मतलब ये गाजर यार कैसा गाजर, आजकल लोग बोला ना भैया प्लास्टिक में रहता है तो गाजर खराब हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही गाजर लाया। और इधर पत्ता गोभी भी है और शिमला मिर्च, इसे अच्छे से मतलब चॉप्ड करोगी ना छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब काट लेंगे इसे। देखिए इधर वो काटने के लिए आता है लेकिन वो हमारे पास है नहीं तो मैडम जी अपने चाकू से काट रही है। तो जब सारा काट लेंगे तो फिर आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों कैसे बनाती हैं। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक और देखिए कैसे हमारा वेज क्लब सैंडविच मैडम जी बनाती हैं आज, और भी नए तरीके से नया स्वाद कुछ लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखना ताकि आप लोग भी सीखो कैसे बनता है। हाँ नया चीज़ है ना कुछ। तो दोस्तों देखो इधर शिमला मिर्च है और पत्ता गोभी है और इधर गाजर है और इधर खीरा है, टमाटर है, सब मैडम जी ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको कैसे मिलाते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं, हमारे मैडम जी मिलाते हुए आप लोग को दिखाएंगे। और कर ले, फिर हाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया बनने में, फटाक से बनता है ये। बस जो टाइम लगता है काटने में लगता है, काटने में लगता है, बनाने और खाने में तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। खाने में तो नहीं लगता है, सबसे कम टाइम तो खाने में लगता है। टमाटर भी कट गया, ये हो गया। किचन में चलते हैं देखते हैं कैसे क्या करती हैं ये। फाइनली दोस्तों क्या क्या मिला है इसमें? मैंने शिमला मिर्च में मिलाया, उसके बाद पत्ता गोभी, अभी मैं मिला रही हूँ खीरा, ठीक है। हाँ अब इधर है टमाटर, टमाटर है, ये रहा गाजर, ये रहा गाजर। अब उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मेयोनीज, ये रहा मेयोनीज। पूरा मिला दे? हाँ पूरा नहीं, बाद में थोड़ा सा लगाना है। अरे है रखा हुआ है, पूरा मिला दो। ठीक है तो मेन्यू जी मिल गया। ये क्या है? ये है टमाटो, टमाटो केचप। अब इसको सॉरी इसमें साल्ट मिलाना है थोड़ा सा। तो आपने इसमें सब कुछ देखिए मिला दिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक है, ज्यादा नहीं मिलाना है, हल्का सा है। नमक भी मिल गया दोस्तों इसमें, और ये ब्लैक पेपर, और ये है ब्लैक काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, हम बना रही है और रेसिपी बता रहे हैं हम, इसलिए हम ही कोई पता है। आप इसलिए बता रहे क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है बनाने से पहले, इसीलिए आपको पता है। अच्छी बात है। तो देखो दोस्तों ये अच्छे से मिल जाएगा, मेरे तो अभी खाने का मन कर रहा है यार। मिल चुका है, अब हम चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो मैं फिर से ब्रेड लेके आता हूँ तब तक, है ठीक है। तो दोस्तों देखिए इधर बटर में ब्रेड को मैडम जी सेक रही हैं, बटर थोड़ा ज़्यादा ही लगा दो तो ज़्यादा टेस्टी आएगा। बटर इधर पड़ा हुआ है और सेक रही हैं, बटर ब्रेड को सेक लेंगे अच्छे से, दो तीन ब्रेड सेक लेंगे, एक बना के आप लोग को दिखा देते हैं, फिर हम लोग बना के खाते रहेंगे। पहले सेक ले ब्रेड, इधर मसाला कितना मस्त लग रहा है देखने में यार, तुरंत खा ही लें। तो फाइनली दोस्तों इन्होंने ब्रेड सेक की भी देखो रेडी कर लिया है, इसमें केचप लगा रही हैं, ये रहा केचप। आराम से, भूख लगी पता है मुझे। और ये रहा हमारा चिली,
चिल्ली भी इसी में लगाना है? हाँ थोड़ा सा पता है लगा देंगे और टेस्टी आएगा, खराब नहीं अच्छा आएगा। अच्छा जी ठीक है, चिल्ली भी लगा लिया। अब इसमें क्या ये लगाओगी? हाँ। और इसमें ये स्टेप को स्टक करेंगे, मतलब इसे लगाएंगे बीच में से। देखो कितना टेस्टी लग रहा है खाने में यार, वाह पानी आ गया मुँह में देख के। सच में कसम से मुझे तो भूख भी लगी है, और आपने मेरा इतना अच्छा पूरा किया कि जो एक बार में कहा आपने बना दिया। बस करो बस करो, ज्यादा स्टेप में मजा नहीं है, फिर बहने लगेगा वो। नहीं नहीं बहेगा, ज्यादा रहेगा अच्छा लगेगा। लगा दिया है ये प्लेट, ये प्लेट रख दिया है। वाओ तो एक ब्रेड मैंने रख दिया है, अब इसके ऊपर हम सैलेड लगाएंगे। लगाओ तो इधर देखिए, इधर टमाटर है, प्याज है। आपको म्यूनिज पसंद है तो लगा दे, नहीं तो सैलेड बस रख दे। नहीं म्यूनिज लगा दो, जो बना रहे हो अपना जो पूरा। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या पता मेरे वजह से नहीं, पहले जो क्रिया विधि है पूरा क्रिया विधि बनाओ अपना, ताकि लोग को भी ऐसे खाए ना। हाँ तो किसी को नहीं पसंद होता है, जो रेसिपी वही बताओ। तो हम अपना रेसिपी बना रहे हैं। हाँ तो ठीक है बनाओ। देखो ऊपर से म्यूनिज लगा रही है दोस्तों, और लगा म्यूनिज थोड़ा सा। म्यूनिज में कंजूसी बस करते हैं ना। ठीक है तो म्यूनिज लग गया इधर, और इस पे से ये सलाद लगा देंगे, मतलब टमाटर हो गया, ऑनियन हो गया, और खीरा है। खीरा है। इसके ऊपर से एक ब्रेड और रख देंगे ना। इनकी रेसिपी मुझे पता है, बस करो ज्यादा नहीं मजा आएगा। देखा होगा आपने इसके पहले। वाओ ये रहा हमारा, ये रहा इनका सैंडविच दोस्तों, बन गया। अब इसे खा के मिलते हैं फिर आप लोगों से। कट करके एक बार दिखा दे। हाँ कट कर दो इसे। ठीक है तो दोस्तों सलाद लगाने के बाद मुझे ये लगाना था, ठीक है। हाँ मैं भूल गई। हाँ ग्रीन चिली मेयोनीज भी लगा दो, तो लगा दो। चलो लगा देते हैं सब। टोमेटो केचप भी लगा, ताकि ऊपर वाला ब्रेड खाली खाली ना रहे ना, टेस्ट बराबर आता रहे। चलो मैंने लगा दिया ये, ठीक है। टोमेटो भी लगा दो। टोमेटो भी लगा, इसको लगाने के बाद फिर ये काटेंगे, दिखाते हैं। टोमेटो टोमेटो किधर गया? इधर सामने है प्लेट के। हाँ इधर है दोस्तों। एक बार आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा, मुझे पता है कि बहुत ही खाने मजा आएगा। अब टेस्टी टेस्ट का तो बात ही मत करिए, आपको तो एकदम वेज पिज्जा, सॉरी वेज सैंडविच है, एकदम क्लब रेस्टोरेंट जैसा, वैसे रेस्टोरेंट में ही मिलता है। पता है आपको, एक बार अगर आप बना के खा लेंगे ना, मुझे पता है आप कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ कैसा था। चलो हम काट के दिखाते हैं। काटो काटो, देखो आराम से, बाहर से कहीं इसका पेट निकल ना जाए। दिखा रहे हैं भैया कैसे काट रहे हैं, काटने आ तक नहीं, काटने वाला नहीं है ना। वाह शाबाश यार। तो दोस्तों सैंडविच कट गया पूरी अच्छी तरह से। वाह यार शाबाश चीते शाबाश। देखो मेरे यार, अब तुम मेरा सिर अगर पेट में जाए बोली शाबाश यार चियो सिरा। ठीक है दोस्तों अब खा के बताएं कैसे लगता है ये। खाओ खाए। हाँ खाओ, कैसा है? मत पूछो। ठीक है खा के मिलते हैं। बहुत टेस्टी सच में। तो आप लोगों ने देखा मैंने किचन में खा लिया, और खा के मैंने बता दिया कैसा है, अब ये बताएंगे कैसा है, बताओ। जितनी भी तारीफ करें दोस्तों उतना ही कम है। फ्रंट दिखाओ, ये बैक क्यों दिखा रहे हो? ये रहा फ्रंट। तो कसम से दोस्तों बहुत टेस्टी है। मैं ये नहीं कह रहा लोग, आप लोग बोलते हो अपनी बीवी का ही तारीफ कर रहे हो, आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा। अगर नहीं टेस्ट आएगा जितना मैंने मटेरियल मिलाया है, मतलब मेडल मिलाया है, उतना आप लोग मिलाइएगा, उस तरीके से बनाइएगा। अगर नहीं अच्छा आएगा तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम करिएगा। अभी बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है, तो मैं खा रहा हूँ और बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग के मुँह से पानी भी आ रहा होगा, क्योंकि जब किचन बन रहा तभी मेरे मुँह से पानी आ रहा था। ठीक है आप लोग भी एक बार जरूर घर पे बना के ये ट्राई करिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टेस्टी है या नहीं है, या हम लोग यूं ही तारीफ कर रहे हैं। तो हम बताएंगे ना, खा रहे हैं तो टेस्ट। तो आप खा के बताएंगे ना, तो हम जो बनाते हैं ना, तो हमारी फैमिली भी एक बार जरूर बनाती है और बोलती भी है कि दीदी आपका रेसिपी मैंने बनाया। बना के खाई, खा के बताइए कैसा है। तो ठीक है ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, आप लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय।